जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलनी विद दुर्गेश में। आज हम आपके बीच सीटेट स्पेशल की मैराथन सीरीज लेकर आए हैं, जहां पर हम पर्यावरण शिक्षण, हिंदी शिक्षण और गणित शिक्षण, इन तीन विषयों के शिक्षण को पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर के जो प्रश्न हैं उसके आधार पर। तो ये जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण की काम करेगा, क्योंकि अगर आपने चाहे पेड क्लास में जुड़े हैं चाहे फ्री क्लास में, अगर पेड क्लास में जुड़े हैं तो पेड क्लास के साथ साथ आप जब तक इस सीरीज को नहीं पढ़ेंगे तो फिर जो मेहनत है, जो हम लोग का पढ़ने का तरीका है, वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए जब हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारे और आपके ढेर सारे लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे, और ये भी पता हो जाएगा कि जो परीक्षा में प्रायः प्रश्न आते हैं वो प्रश्न कैसे होते हैं, ठीक है, और कैसे विकल्पों का चयन करना है। हम पूरी क्लास को एनसीईआरटी के पैटर्न के आधार पर पढ़ाएंगे। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी आप पूरी चीज़ों को समझ पाएंगे। इसलिए अगर आप वीडियो को चाहे लाइव देखें चाहे बाद में देखें, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा अगर आप चाहते हैं सीटेट की परीक्षा में अच्छे अंक लाना या अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना। चलिए बिना देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है ABS पेडागॉजी की सेट नंबर 3। इसके पहले हम लोगों ने दो सेट के महत्वपूर्ण जो सीरीज थी उसे पूरी तरह से पढ़ लिया है। अब बिना देरी किए अब हम आगे सवालों के तरफ बढ़ते हैं। तो जो साथी जैसे जुड़ेंगे सबसे पहला काम क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करने के बाद अन्य सभी साथी मित्रों तक शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए बिना देरी के हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आपके बीच पहला प्रश्न है, शायद आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, जहाँ पर ये कहा जा रहा है एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाती है। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें, क्योंकि यह प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार है। इस प्रश्न में थोड़ी सी ऐसी चीज़ें जो मुझे आपको सभी को डिफाइन करके बतानी पड़ेगी। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जो लोग भी लाइव देख रहे हैं सभी लोग दिए गए प्रश्न का जवाब दें। देखिए यहाँ पर ज़्यादा लोग डी को बता रहे हैं। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा कि जो डी बता रहे हैं वो बताएं डी कैसे होगा, वो जरा बताएं कमेंट करके वो डी कैसे होगा, ठीक है। कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। आइए हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक थ्रेसरिंग होता है और एक निष्पावन। तो यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ कि फसल से, ध्यान से लिखिएगा आप लोग, फसल से दाने अलग करना, दाना अलग करना क्या कहलाता है, किसी को पता है? फसल से जो दाना है उसे अलग करवाना थ्रेसरिंग कहलाता है। क्या अलग कराता है? थ्रेसरिंग। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम थ्रेसरिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि दाना से भूसा अलग करना, जो दाने से जो भूसा अलग करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। आपने देखा होगा कि प्रायः एक यहाँ पे चक्की की तरह लगा लेते हैं और वहाँ पे पंख लगी होती है, इसको चलाकर यहाँ पर से जब भूसे में से दाना निकाला जाता है तो दाना यहाँ गिरता है और भूसा दूर चला जाता है और यहाँ पे क्या होता है, दाने के ढेर लग जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्पावन के नाम से जाना जाता है। मतलब यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसका जो उपयुक्त विकल्प, एक मिनट रुकिएगा, इसका जो सबसे सही उत्तर है थोड़ी है वो क्या होगा, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। माने जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ठीक, इसलिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया कि मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया कि निष्पावन क्या होता है, ये दानों से भूसे अलग करना है, लेकिन थ्रेसरिंग क्या है, थ्रेसरिंग क्या कहता है, थ्रेसरिंग यह क्या कहता है, यह फसल से यह अलग करता है, क्या फसल से दानों को अलग करता है, और निष्पावन क्या करता है, दानों को भूसे से अलग करता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा वह क्या होगा, डी अथवा चौथा इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे थे कुछ लोग डी बता रहे थे कुछ लोग सी बता रहे थे, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे फटाफट कमेंट करके बताएं, अगर आपको समझ में आ गया हो तभी मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करना, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, ठीक है, तो तब तक आपके कितना भी मैं पढ़ा दूं पढ़ाना बेकार रहेगा, ठीक। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। तो जो भी साथी इलनी विद दुर्गेश पे जुड़े सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, दूसरा काम अपने सभी साथी मित्रों को वीडियो को शेयर कर दें। अगला प्रश्न आपके साथ दिखाई दे रहा होगा कि अगला प्रश्न है आपके बीच,
यह कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। मैंने दिए गए प्रश्न में तीन उद्देश्य है और एक उद्देश्य नहीं है। आपको कमेंट करके बस ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। जरा फटाफट जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जो दिया गया प्रश्न है उसकी जो व्याख्या है वो आप लोग स्पष्ट करें कि इसमें क्या कर नहीं किया जा सकता। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, ठीक, फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके जवाब दें। चलिए, आप लोगों ने सभी लोगों ने जवाब दे दिया तो अब मेरा भी काम होता है कि मैं इसे तथ्यों को समझाऊं और मैं आगे बढ़ूं। यहाँ पर ध्यान से दिखेगा, बच्चों में तर्कणा का विकास करना, ये कहाँ पर होती है? ये गणित में होती है। कहाँ पर होती है? ये गणित शिक्षण में होती है। तो यह पर्यावरण की बात कर रहा है, मतलब यह क्या हो गया? गलत। मतलब ये सही है, एक बात समझ लीजिएगा। देखिए इसमें कह रहा क्या नहीं है, माने बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, ये पर्यावरण गणित शिक्षण दोनों में, माने ये सही में आता है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का विकसित करना, देखिए जो पर्यावरण में पहेलियाँ हैं वो उनके अंदर आलोचनात्मक चिंतन भी विकसित करता है। जैसे आपने देखा होगा, कद्दू जी की चली बरात हुई बतासो की बरसात, अपनी कविता पढ़ी होगी, तो यहाँ पे हो गया। फिर सृजनात्मक चिंतन की योग्यता, उनके अंदर उत्सुकता, जैसे अगर पेड़ भी चलते होते। यहाँ पे देखिए, बच्चों में जो तर्कणा शक्ति का विकास होता है वो गणित शिक्षण में भी होता है, याद रखिएगा। ये कहाँ पे होता है? गणित शिक्षण। ये सीटेट का पूछा प्रश्न है कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना, ये बात याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि सृजनात्मक चिंतन, जैसे कहता है अगर पेड़ भी चलते होते। अब बच्चा सोचेगा अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, ठीक है, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? ये उनके अंदर सृजनात्मक विकास भी कर रहा है, चिंतन भी कर रहा है, उत्सुकता भी ला रहा है। अगर बच्चे सोचेंगे अगर पेड़ चलते होते तो क्या होता, हमें फल मिल जाते, तो उनके अंदर चिंतन का विकास होगा, उत्सुकता भी आएगा। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, उन्हें इस भ्रम से आनंद उठाए देना, तो यहाँ पर यह गलत है, और जो गलत है वही यहाँ पे सही है। मतलब हमें ये करना है, इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, माने तीन उद्देश्य है और जो विकल्प एक है, विकल्प ए है, यह उद्देश्य नहीं है, माने जो गलत है वही यहाँ पर दिए गए प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। मैंने ध्यान से देखा नहीं, मैं चारों विकल्प जब मैं पढ़ता गया तो यहाँ पर यह स्पष्ट हुआ कि दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह गणित शिक्षण में भी है, ये सीटेट में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। क्लियर, किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहां पे शायद आपको दिख रहा होगा, एक पुरुष है, जिसका रक्त ओ है, ए रक्त समूह वाली स्त्री को शादी करता है, उसके जो बच्चे का रक्त समूह होगा उसकी संभावना क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। जी हाँ, ये क्लासेज लर्निंग विद दुर्गेश से जौनपुर जनपद से चल रही है, और यहाँ पर ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक। ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, सभी के बारे में, और क्लास की सभी सूचना आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर आपको दुर्गेश सर सर्च करना है बिना स्पेस के, ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। जरा फटाफट कमेंट करके बताएं क्या होगा। देखिए यहाँ पर इस समूह वाले से करता है वो है, सीधी सी बात है, यहाँ पर जब ए ओ है तो 50% ये हो जाएगा और 50% ये, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 50% होगा, माने जो 50% संभावना है ए तथा 50% ओ की है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए या ओ हो सकता है, ओ या ए हो सकता है, माने क्या है, मामला 50-50 का है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रायिकता है वो 1/2 का, 1/2 का मतलब क्या होता है, 50% होता है। इसलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, सी दिए गए प्रश्न का सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से किसी के मन में डाउट, क्योंकि एनसीईआरटी में, ये भी एनसीईआरटी में, अगर आपने एनसीईआरटी की सीरीज पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी में यह दिया गया है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चलिए, ये जो उल्का तारा है या जो टूटा हुआ तारा, ये भी एनसीईआरटी में, ये भी एनसीईआरटी में, अगर आपने नोट्स पढ़ी होगी तो आपको इन चीज़ें नोट्स में भी मिल गई होंगी। तो टूटा हुआ तारा उल्का, फटाफट कमेंट करके बताइए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को पहले शेयर कर दें, क्योंकि आप लोगों ने, सभी लोगों ने लाइक अभी नहीं किया है, और अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो विद्या माई कसम है, सभी लोग वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दें, जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर
आप लोगों ने देखा होगा जब तारा टूटता है तो लोग क्या होता है पिक्चरों में देख के मन्नतें मांगते हैं, लोग प्रेमी प्रेमिका के नाम जपते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पिक्चरों में दिखाया जाता है वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। कि अगर सूर्य भी एक तारा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा आपको, सूर्य भी क्या है, एक तारा है। अगर इसका 13 लाखवां हिस्सा टूटेगा, कितना, 13 लाखवां हिस्सा अगर टूटेगा तो पृथ्वी से बड़ा होगा। माने अगर चंद्रमा का, सॉरी, अगर सूर्य का या तारा का 13 लाख हिस्सा टूटेगा तो पृथ्वी के बराबर है। इसका मतलब ये साफ और स्पष्ट है कि जो तारा होता है वो नहीं टूटता, जो तारा है वो नहीं टूटता। तब क्या होता है, तो जो उल्का पिंड है ये कभी कभी अपने रास्ते से, हमारी पृथ्वी की अपनी अपनी ऑर्बिट है, ये पृथ्वी के ऑर्बिट के पास से जब गुजरता है कभी कभी क्या होती है कि पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसे अपनी तरफ खींच लेती है और हमारे वायुमंडल में आने के बाद ये रगड़ खा लेता है, रगड़ खाने के बाद आग पकड़ लेता है और ये जलता हुआ प्रतीत होता है, जिसे हम कहते हैं प्रायः टूटा हुआ तारा। लोग कहते हैं मन्नत मांग लो, मन्नत पूरी की, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ से आपकी मनोधारणा क्या मैं नहीं जानता, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए यहाँ पर सही जवाब होगा। मैंने जितने लोगों ने दिए कि प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सभी के जवाब सही है। यहाँ पे क्या है, ए इसका राइट आंसर है। तो घर्षण बल कलर क्या होता है, उसमें आग लग जाती है। तो आप लोग को स्पष्ट हुआ, यह भी एनसीईआरटी में, अगर आपने एनसीईआरटी की क्लास पढ़ी होगी आपकी ये भी कॉन्सेप्ट क्या होंगे पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें आप लोग को। मुझे तो लगता है कि जितना मेहनत मैं पढ़ाने में करता हूँ आपको उसकी कोई कदर नहीं, क्योंकि आप वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है कि बस आपका काम बनता भाड़ में जाए जनता। ठीक है, आपकी सोच यही है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपको शायद दिख रहा होगा, क्वथन माने उबालना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। तो जो साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है या इन दोनों में क्या अंतर है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। देखिए क्वथन माने उबलना है, तो जानते हैं पानी कब उबलता है कब जमता है, तो माने जब 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है। ठीक, माने 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी उबलने लगता है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस के बाद जब नीचे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक, तब हम देखते हैं बर्फ जमना शुरू होता है। माने जो क्वथनांक होता है उबलना या पानी का जमना वह उसका निश्चित है, जबकि जो वाष्पीकरण होता है वह किसी भी तापमान पर हो जाता है। वाष्पीकरण क्या होता है, किसी भी तापमान पर हो जाता है। आइए अब यहाँ पे देखते हैं दिए गए प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा। तो हमने देखा कि क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता, जी नहीं, यहाँ पर मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आप लोगों ने सही उत्तर बताया, इसलिए मैं उत्तर की तरफ ही बढ़ूंगा। यहाँ पर वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जैसा मैंने बताया, जबकि क्वथन नहीं, क्वथन के लिए क्वथनांक का एक निश्चित तापमान होता है, उसी पर क्वथनांक क्वथन होता है। इसलिए दिए गए प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा डी अथवा चौथा इसका राइट आंसर होगा। मतलब जितने लोगों ने चौथा या डी बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही और स्पष्ट थे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूँ यहाँ से सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे प्रश्न आसानी से आप कर ले पा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगला प्रश्न आपके बीच शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। जरा फटाफट कमेंट करके बताइए कि प्राथमिक स्तर पर जो आकलन है उसमें क्या शामिल होना चाहिए। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का उत्तर बताइए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। क्या होगा बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। आप लोग इतना टाइम ले रहे हैं, बताइए, ना वीडियो को शेयर कर रहे हैं ना वीडियो को लाइक कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पैसा कट जाएगा ना आप लाइक कर देंगे शेयर कर देंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि प्राथमिक स्तर आकलन में शामिल होना, मतलब किसको आकलन में शामिल करना चाहिए। देखते हैं, अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा है, तो देखिए आकलन में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी बच्चे को परीक्षा लेकर उसकी बातें को, उसकी योग्यता को हम नहीं पहचान सकते ना हम जान सकते हैं। फिर कह रहा है कि छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य कक्षा का करना चाहिए, ये भी नहीं करना है, ये कुछ हद तक कर सकते हैं। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र दर्ज करना। देखिए
उन्हें प्रगति पथ दर्ज करना ये गलत है, क्योंकि देखिए अगर प्रगति पथ को दर्ज करेंगे, जो बच्चा स्लो खेलता है, जो बच्चा धीरे खेलता है, जो बच्चा कमज़ोर है, उसको क्या होगा, उसे दबाव सा फील होगा और वो क्या होगा, धीरे धीरे वो गुमसुम सा होता चला जाएगा, तो फिर क्या होगा, उस पढ़ाई के प्रति उसका रुझान धीरे धीरे कम होने लगेगा। मतलब यहाँ पर ये भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना, माने जो भी शिक्षक और जो भी बच्चों के साथ हम अवलोकन करते हैं उससे हम शिक्षक होने के नाते उनके अभिभावकों के साथ क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। जैसे हम क्या करें, बच्चों के साथ मिलकर अगर हम पेड़ लगा रहे हैं, तो पेड़ लगाने के बाद अब हम बताएं कि देखिए रामू के पापा ऐसे कि रामू ने पेड़ लगाया है, उसके अच्छे से देखभाल कर रहा है, जब ये बीज छोटा सा था उसके बाद धीरे धीरे बड़ा होने लगा, रामू जरा बताओ अपने पापा को कि पेड़ तुम कैसे लगाए थे। तो रामू कहता है कि पापा मैंने पहले क्या किया था, ज़मीन खोदा, उसके बाद उसके एक अंदर एक बीज डाल दिया, फिर उसको मिट्टी से ढक दिया, कुछ दिन के बाद इसमें से तना निकलना शुरू हुआ, फिर इसमें ऊपर की तरफ जाने लगा, फिर इसमें से पत्तियाँ निकली, फिर ये और ऊपर गया, फिर क्या होगा, तना धीरे धीरे क्या हो गया, अन्य रूप लेने लगा। तो बच्चा क्या है, पूरी अंकुरण की, अगर हम अंकुरण की बात करें तो पूरी अंकुरण की जो अवधारणा है वो पूरा समझा देता है अपने अपने पिता के सामने, और हम ये जानते हैं, ठीक है, तो यह हम ये जान पाते हैं कि बच्चा धीरे धीरे क्या कर रहा है, सीख भी रहा है। इसलिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न का उत्पक विकल्प जो होगा तीसरा अर्थात सी इसका राइट आंसर होगा। माने क्या होगा, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। किसी बच्चे को जो आकलन है वो परीक्षा के आधार पर नहीं हो सकती, इसलिए अन्य तीन विकल्प है जहाँ पे परीक्षा प्रगति पत्र प्रशस्ति पत्र की बात की गई है, माने किसी बच्चे का आकलन उसके मार्क उसके नंबर के आधार पर नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ पे दिए गए प्रश्न का उत्तर तीसरा या सी इसका राइट आंसर है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, जो नींबू है वह साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी किताब पढ़ी होगी तो एनसीईआरटी किताब में मृत सागर को पढ़ा होगा, कौन सा सागर, मृत सागर को पढ़ा होगा जो जार्डन के पास स्थित है, और ये सीटेट में भी पूछा जा चुका है और ये एनसीईआरटी की सीरीज में भी ऐसा प्रश्न है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी सीरीज को अगर आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी से आप जुड़े हुए हैं, यकीनन आप एक बेहतर अभ्यर्थी की तरफ बढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के आप नज़दीक पहुँच रहे हैं, क्वालिफाई मार्क के और नज़दीक पहुँच रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एनसीईआरटी बेस्ट होती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें इस दिए गए प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा। यह 2011 के सीटेट की सीरीज अगर देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ भी दिखेगा, देखिए नमकीन पानी का जो घनत्व है वो साधारण पानी घनत्व से अधिक होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति मृत सागर में डूबने से उसकी मृत्यु नहीं होती। अगर पूछा जाए कि सागर में किसी व्यक्ति के डूबने से मृत्यु नहीं होती, तो मृत सागर है जिसमें डूबने से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर होता है नमकीन जो पानी होता है उसका घनत्व साधारण पानी घनत्व से ज़्यादा है जो व्यक्ति को डूबने नहीं देता। इसलिए इस प्रश्न का उपयुक्त विकल्प जो होगा सी अर्थात तीसरा यहाँ पे राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न आपके बीच शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिलक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो पका हुआ चावल है वो रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक रखे जा सकते हैं, क्यों रखे जाते हैं। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें, गलत हो या सही हो लेकिन आपको प्रश्न का जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रश्नों के जवाब देते हैं कहीं ना कहीं आपको कि जो रिवीजन सीरीज है वो अपने आप पे क्लियर हो जाती है कि अगर परीक्षा हाल में होते तो आप कौन से विकल्प का चयन करते और क्यों करते, ये सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगी। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं लंबी क्लास नहीं लूँगा, मैं भी थका हुआ महसूस कर रहा हूँ और आपकी संख्या भी बहुत कम है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे हम, देखिए कम तापमान पर नमी तत्व घट जाता है, जी नहीं यहाँ से कोई मतलब नहीं है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रगड़ों को नष्ट करते हैं, जी नहीं उसमें कोई ऐसा रसायन नहीं होता, वहाँ पे ठंडा करने का काम होता है, वहाँ कूल करने का काम होता है। फिर कह रहा है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान नष्ट नहीं होते, यहाँ पे जो कम तापमान होता है वहाँ पे जो रोगाणु होते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह सी इसका राइट आंसर है। तो मतलब जितने लोगों ने सी उत्तर बताया था उन सभी के प्रश्न के जवाब
पूरी तरीके से सही थे, माने सी वाले के राइट आंसर थे। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे आपने देखा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद उसकी जो बॉडी है तुरंत डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। तो जब डिकम्पोज होगी तो उसको बचाने के लिए एक तरीका क्या होता है, लोग जो मृत शरीर होता है उसे बर्फ़ में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बर्फ में रखते हैं। और जब मृत शरीर को बर्फ में रखते हैं, ऐसा नहीं है कि वो फिर बॉडी डिकम्पोज नहीं होगी, बॉडी से दुर्गंध नहीं आएगी, कुछ लंबे समय तक चलेगा। मतलब उसके अंदर जो रोगाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं यहाँ पर, निष्क्रिय हो जाते हैं। मान इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, शीर्ष का राइट आंसर है, तीसरा इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? कोई किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है फटाफट कमेंट करके। इसके बाद CDP क्लास चलेगी, ठीक है, इसके बाद CDP क्लास चलेगी। तो जो लोग ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे लाइव जुड़े हुए हैं वो रुके रहेंगे और लाइव क्लास देख लेंगे। इसके बाद किसकी चलेगी? जी हाँ, ये 2011 की सीरीज अगर आपने पढ़ी होगी तो सीरीज आपका पूरी तरह से तैयार होगा। तो मैं पढ़ा चुका था, कुछ लोगों ने बार बार ये कहा सर आप सीरीज को दोबारा रिविजन करा दे, इसलिए मैं दोबारा सीरीज को करा दे रहा हूँ। ठीक, अगला प्रश्न क्या है भाई, कुछ लोग की को खोजने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, उसने कहा पढ़ा दी, मैंने कहा पढ़ा देते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। तो सभी लोग फटाफट कमेंट करें और एक बताएं कि मलेरिया की दवा के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। बताइए मलेरिया में दवा के रूप में किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, मैंने किस वृक्ष का उपयोग दवा के लिए किया जाता है। तो सिंकोना वृक्ष की छाल कुनैन है, जहाँ आप लोगों को पहले पता होगा। जी सिंकोना वृक्ष की छाल कुनैन है और वह भूमध्य रेखी वृक्षों में से आता है। देखिए इसमें क्या होता है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया की परजीवी अर्थात प्लाज्मोडियम पर पाया जाता है। यह भी कहाँ पर है, यह आपके NCERT में है। कहाँ पर है, यह भी आपके NCERT में, मैंने NCERT में अगर आपने आसपास पढ़ी होती शायद आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्न को न गलत होते, न ऐसे प्रश्न में आपको कभी कोई समस्या उत्पन्न होती। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को सभी साथी देखें और अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, आप वीडियो को लाइक ही ना करें बल्कि वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अभी हमें गणित शिक्षण पढ़ना है, हिंदी शिक्षण पढ़ना है, फिर उसके बाद केवल CDP पढ़नी है आपको, उसके बाद ही क्लास CDP की चलेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को नष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का प्रयोग करना क्या क्या रहता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करें क्या करना चाहिए पर्यावरण के अध्ययन कक्षा में अवधारणाओं को नष्ट अस्पष्ट करने। देखिए यहाँ पे नष्ट की जगह यहाँ पे लिख लीजिएगा अस्पष्ट, अस्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसलिए आप इसे सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो आप बताइए फटाफट कमेंट करके क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता कहानी का प्रयोग करना चाहिए। एक एक करके विकल्प का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं और जानते हैं कि क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, बच्चे विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। देखिए बच्चा क्या है, बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, ये भी सही है। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, ये भी कुछ हद तक सही है। पाठ को आनंदमय और रोचक बनाने में मदद करता है, जी ये भी है। कविता और जो कहानियाँ होती हैं ये पाठ को रोचक और आनंदमय भी बनाती हैं, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है स्थानीय विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करती हैं। इसलिए सबसे जो उपयुक्त विकल्प यहाँ पर है वो चौथा या डी का राइट आंसर है, डी का सही जवाब है। देखिए जो पर्यावरण है अध्ययन है वो बच्चों में क्या करता है, कविता और कहानियों के माध्यम से स्थानीय चीज़ों को विश्व स्तर पर हमारे साथ जोड़ने का काम करता है, प्रकृति स्तर पर खोजने का काम करता है, कल्पना करने का काम करता है, योग्यता का विकास करने में मदद करता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह क्या होगा, डी का राइट आंसर होगा। तो जल्द से फटाफट कमेंट करके बताएं कि कितने लोग के प्रश्न पूरी तरह से सही हुए हैं। अगर किसी के गलत हुए हैं जरा कमेंट करके बताएं
क्यों गलत हुए हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, आपको हर हाल में क्वालिफाई कराना, और आपका उद्देश्य इस सीरीज के साथ आप क्वालिफाई करना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले विषय के प्रश्न की तरफ। जो साथी इस वीडियो में जुड़े हैं वो सभी लोग फटाफट लाइक करें और अपने सभी साथी को यह वीडियो शेयर जरूर कर दें। अब हम अगला विषय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गणित शिक्षण। ठीक है, गणित शिक्षण की सीरीज हम पढ़ने जा रहे हैं। कितने लोग अब एनसीईआरटी मैथ के लिए लगभग तैयार हैं, तो जो साथी तैयार हैं वो सभी साथी पहले वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दें। आप सभी के ऊपर विद्या माई कसम है, सभी लोग वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी को शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप पर डाल दें, व्हाट्सएप की स्टेटस डाल दें, फेसबुक पोस्ट कर दें, फेसबुक ग्रुप में डाल दें, फेसबुक स्टेटस पर डाल दें, ताकि अन्य लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँच जाएँ। अब आते हैं, अब हम लोग गणित शिक्षण की तरफ बढ़ते हैं और गणित शिक्षण के प्रश्नों को पढ़ेंगे। जरा कमेंट करके बताएं कितने लोग गणित शिक्षण को अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि गणित शिक्षण का कॉन्सेप्ट हम उनका इतना बेहतर तरीके से क्लियर कर दिया जाए ताकि भविष्य में उनके पास जब भी गणित शिक्षण से प्रश्न आए तो गलत ना होने पाए। चलिए सभी लोग फटाफट कमेंट करें क्योंकि सभी लोग गणित शिक्षण पढ़ना है। चलिए तब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सामने आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्या कर रहा है, पैटर्न दिखाई दे रहा है और कह रहा है अगर हम पैटर्न को पढ़ते चले तो जो 15वें चरण के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। इस तरह से अगर हम लोग पढ़ते रहेंगे तो जो 15वां चरण होगा उसमें कितनी तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वैसे ये सवाल तो इंटरमीडिएट का है लेकिन फिर भी आपकी सीटेट परीक्षा में पूछ दिया है, ऐसे हल करेंगे। ठीक है, श्रेणी आपने पढ़ा होगा इंटर के, जिन्होंने मैथ से पढ़ा होगा पीसीएम पढ़ा होगा, समांतर श्रेणी ना, नहीं याद है, चलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मतलब 3 यहाँ है और 4 यहाँ पर, तो कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 है, यहाँ पे अच्छा ये पे ये तीली जुड़ी हुई है क्या, यहाँ पर 1 2 3 4 5 7 तीली है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 7 तीली है, 6 होगी ना, एक मिनट रुकिए तो देख लेते हैं, यहाँ पे 7 तीली है ना, यहाँ पे देखते हैं कितनी तीलियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 तीलियाँ क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देखिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बार बार। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पे है आपकी कितनी तीलियाँ, यहाँ पे 7 तीलियाँ हैं, यहाँ पर 11 तीलियाँ हैं और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पे कितनी हैं, 15 हैं। यहाँ पे क्या है, 15 श्रेणियाँ हैं, माने चरण एक में 7, चरण दो में 11 और चरण तीन में 15 श्रेणियाँ हैं। मतलब यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो 7 4 11 4 और 4 का डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, 4 का है और पहला मान क्या है, 7 है, पहला मान क्या है, 7 है। तो ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 7 और डिफरेंस बराबर d बराबर क्या है, 4 का है। तो हमें जानते हैं कि tn बराबर मैंने संख्या क्या होगी, जिसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ tn a क्या है, a यहाँ पर आपका 7 है, 7 प्लस n माइनस 1 n का रहा 15, तो 15 माइनस a, d क्या है इसका, d हमने लोगों ने देखा डिफरेंस कितने का है, 4 का है। तो भैया यहाँ पे tn रह जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निकालते हैं कि tn बराबर यहाँ पे 7 प्लस 15 में से आ गया 14 चौका 56 प्लस क्या हो जाएगा, 56, तो क्या हो जाएगा, 7 56 और सब ये हो जाएगा 63, क्या होगा, 14 चौका 56 होगा, 56 और 4 63, ठीक है, तो यहाँ पर 63 होगा, क्या होगा, 63 होगा, देखिए हाँ 63 होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो कुछ लोग परीक्षा को लेकर यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्रश्न को लेकर बात कर रहे हैं, तो जो सीटेट में पूछा गया था वहाँ पे जो प्रश्न था वहाँ पे 6 था, फिर 10 था, फिर 14 था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 7 है, 11 है और 15 है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा,
इसलिए यहाँ पे दिए गए विकल्प में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है यहाँ पे टाइप करते समय, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा 63 होगा। अगर 6, 10, 14 होता तब जो इसका उत्तर है तब वो कितना आता 62 आता। क्या होता जब यहाँ पे 6 होता 10 होता 14, लेकिन वास्तव में कितना है 7 है 11 है और 15 है, इसलिए इसका उत्तर क्या आया है 63। इसलिए थोड़ा प्रश्न बनाने में टाइप करने में थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि जो सीटेट की परीक्षा में पूछा गया था वो 6, 10 और 14 था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा 63 होगा जो कि विकल्प में नहीं है। 62 तब होता जब ये 6, 10 और 14 होता तब, ठीक। 14, 14, 56 और 56 और 6 तब ये 62 होता, माने जब यहाँ पे 6 होता जो यहाँ पे पहले आंकड़ा, अगर ये 6 होता तब इसका 62 आता। क्लियर, समझ में आया आप लोग को ना। चलिए जैसे अगर ये प्रश्न ऐसे होता, मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अगर जो सीटेट परीक्षा में पूछा था वो 6 था 10 था और 14 था, तो हम यहाँ पे करते क्या था, डिफरेंस क्या था, तो T9 बराबर 6 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4 था। तब ये क्या होता था TN बराबर 6 प्लस 14 चौका 56 बराबर क्या होता था 62, लेकिन वास्तव में कितना है यहाँ पे तब 62 आता, लेकिन है कितना 7, 11, 15, इसका उत्तर कितना आएगा तब 63 आएगा, जो कि विकल्प में नहीं है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ से किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, समझ में आया। जो सीटेट के पेपर में था तो लोग वही रट के बता रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ। अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, जरा फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या पढ़ा जाएगा। एकदम हलवा प्रश्न, एकदम आसान प्रश्न है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। लैपटॉप नया वाला है, फॉर्मेट करा दीजिए, वहीं से लैपटॉप को फॉर्मेट कर दीजिए। यस पी, हाँ सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए यहाँ पर एकदम हलवा प्रश्न है, मतलब अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि अगर यह प्रश्न आपको करना है, यकीन है ना कि इतने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी के प्रश्न सही हो जाएंगे, मानी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका यह प्रश्न गलत हो। भैया सीधी सी बात है कि यहाँ पे देखिए 3-3 अंक में डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, तो 4,07,928 माने इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा, माने जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर बी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है, ठीक है। आप लोग जो लोग भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, सभी साथियों तक पहुँचा दें, इतनी कृपा आप जरूर करें, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं, ठीक ठीक है। जिसका सही हुआ तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, एक पासे के विपरीत फलकों की संख्या का योगफल 7 होता है, निम्नलिखित में से कौन सा पासे में वलन होगा, मतलब पासा जब खुलेगा तो कैसा होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दें। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और दिए गए प्रश्न का जवाब दें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें कौन सा होगा। चलिए देखिए विपरीत कैसे होता है, जैसे ये फलक है इसका विपरीत 6, 5, 11, 4, 3, 7, 2 और 1, 3 यहाँ पे भी देखिएगा 6 से विपरीत 4, 6, 4, 10, 5, 3, 8, 2, 1, 3 यहाँ पे हम देखेंगे 5, 2, 7 यहाँ पे क्या निकला 7, 4, 3, 7, 6, 1, 7 यहाँ पे भी देखिए 5 और 4, 9, 6, 3, 9, 2, 1, 3 लेकिन इसका उत्तर क्या होगा सभी लोग फटाफट कमेंट करें। यहाँ पर सभी तरफ से 7 आ रहा है तो विकल्प दूसरा होगा, इसका आंसर क्या होगा दूसरा, माने जो पासा में जब पासा खोला जाता है एक स्थान छोड़कर जो आता है वही क्या होता है वह फलक दूसरे फलक के विपरीत फलक पर होता है। इसलिए यहाँ पर जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग जान लें इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह क्या होगा 20 का राइट आंसर है, दूसरा इसका सही जवाब है, माने जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है उन सभी के जवाब क्या है पूरी तरीके सही है। इसके बाद अगली क्लास जो चलेगी वो क्या चलेगी सीटेट स्पेशल में CDP क्लास चलेगी। सभी साथी CDP क्लास के लिए इलेनी भी दुर्गेश पर लाइव रहिएगा, जिसकी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या दुर्गेश सर सर्च करके इलेनी भी दुर्गेश के टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई त्रुटि ज्ञात होती है, इसमें शिक्षक जो
उपचारात्मक शिक्षक के रूप में क्या करना चाहिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करने के बाद इस प्रश्न का जवाब दें, ताकि जब आप जवाब देंगे तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आपके अंदर जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, वो सुधार जा सके। जी हाँ, इसकी बात की जो क्लास है मुकेश सर की है, आप लोग नाम उनका पहले से जानते हैं मतलब। जी हाँ, ब्रजेश जी मुकेश सर की क्लास है। जी हाँ, इसके बाद की जो CDP की क्लास होगी वो मुकेश सर की क्लास होगी। जी हाँ, मुकेश सर की क्लास होगी सीटेड स्पेशल CDP। चलिए यहाँ पे सभी लोग फटाफट कमेंट करें, बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने बच्चों की सहायता करना। फिर कह रहा है लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझाने बच्चे की सहायता करना। ठीक है, देखिए उसने किया क्या, इन दोनों को ऐड कर दिया है, माने वहाँ पर इसने क्या किया, इन दोनों का LCM नहीं निकाला है। बच्चे के अधिक से अधिक अभ्यास करें, इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वह समझ जाएगी। ऐसा भी काम नहीं करना है कि बच्ची बड़ी होगी समझ जाएंगे, रिजवान बड़े होंगे समझ जाएंगे, ऐसा तो करना नहीं है भाई। रिजवान को सिखाना पड़ेगा, कल को मारना भी पड़ सकता है जब न सीखे तो। ठीक, अब ऐसा थोड़ी है घर में 8 बजे एंट्री तो 8 बजे घुसना, 10 बजे, इतना डर तो रहना है, छोटा बच्चे तो है नहीं। ठीक, यह बात आप लोग को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी बड़ा नहीं हुआ, लड़का बड़ा होगा तब उसको बाहर जा सकता, अभी नहीं जा सकता। ठीक, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि दूसरा या 20 का राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा कि लघुत्तम समापवर्तक की अवधारणा को समझाना। यहाँ पे क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक की जो अवधारणा है उसको क्या करना, समझाना। मतलब यहाँ पे दिए गए प्रश्न का जो सबसे सही उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, NCF 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है, निश्चित दिए गए कथन में से उपरोक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता, माने 3 करता है और 1 नहीं करता। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट कर बताएं कौन है इसमें जो नीचे दिए गए जो कथन है उनका जो पालन नहीं करता। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके दिए गए प्रश्न के जवाब दें। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, भैया कमेंट करिए जवाब दीजिए। देखिए आप लोग रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ठीक, तो जो लोग पढ़ने वाले वो पढ़ते रहें और डेट पूछने वाले लास्ट में तैयार रहें। ठीक, जो लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग जवाब देखिए। यहाँ पे क्या होगा कि कौन सी विधि यहाँ पर कह रहा है कि पालन नहीं करता है, ये पूछा है। देखिए यहाँ पे कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप का अभ्यास करना। देखिए याद है जो क्रियाकलाप के लिए अभ्यास चुने हैं आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसमें क्रियाकलाप करिए, उसका अभ्यास कराइए। क्योंकि हम आपको क्या करना है, कक्षा में जैसे शनिवार को बच्चों से क्राफ्ट बनवाना है, शुक्रवार को पोस्टर बनवाना है, रंगोली बनवाना है, फिर चित्र बनवाना है, मैथ का पजल खिलवाना है, ये आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्रियों को लिखने का तरीका। ठीक, क्या होगा, पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत सामग्री को लिखने का तरीका क्या होगा, बताइए। तो ये तरीका भी क्या करना चाहिए, यह भी आप उनके अंदर तर्कना विकसित करता है। अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए सूत्र, तो मैंने आपको बताया है सूत्र जहां पर आ जाए, परिभाषा जहां पर आ जाए, रटना जहां पर आ जाए, कंठस्थ करना जहां पर आ जाए, उसको तुरंत क्या करा करिए, गलत क्या करिए, NCF 2005 नहीं कहता। और यहां पे जो गलत है वही सही है, क्योंकि तो पूछा है कौन सा पालन नहीं करता, माने दूसरा पालन नहीं करता, बाकी 3 क्या करते हैं, पालन करते हैं। इसलिए दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी या दूसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ है जो दाम बढ़ने की दशा को समझा रहा है। सभी लोग ग्राफ को ध्यान से देख लें और दिए गए प्रश्न का जवाब दें। ठीक, ध्यान से एक बार प्रश्न को देख लें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब दें। प्रश्न को देख लिया आप लोगों ने, अब आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्राफ है जो इन दिनों दाम बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, समय के साथ किसका दाम बढ़ रहा है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें और दिए गए प्रश्न का जवाब दें। देखिए आप यहाँ पे देखते हैं, पहले पहले क्या होता है, पहले दाम कम था
फिर दाम बढ़ता है, फिर क्या हो रहा है, दाम घटना शुरू हो जा रहा है। तो यह बात गलत है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो जो समय आगे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, दाम ग्राफ नीचे जा रहा है, ये भी गलत है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ज्यो ज्यो समय बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, पहले दाम बढ़ा फिर घटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार दाम घट रहा है। यहाँ पे पहले बढ़ा फिर लगातार घट रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है। यहाँ पे क्या है, समय के साथ लगातार कीमत क्या है, बढ़ता जा रहा है। देख रहे हैं, लगातार कीमत वृद्धि हो रही है। मतलब दिए गए प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा वह यहाँ पर तीसरा इसका राइट आंसर होगा, तीसरा इसका सही जवाब होगा। मानिए समय है, समय बढ़ रहा है और उसका मूल्य जो है वो मूल्य स्तर भी क्या हो रहा है, ऊपर उठता जा रहा है, मूल्य भी बढ़ता जा रहा है। माने दिए गए प्रश्न का जो सबसे सही और उपयुक्त विकल्प होगा वह क्या होगा, यहाँ पे तीसरा इसका राइट आंसर होगा। तो जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर तीसरा बताया है उन लोग के प्रश्न के जवाब पूरी तरह से सही और स्पष्ट थे। चलिए इसके बाद ये अगली क्लास है, थोड़ा सा देर, क्योंकि कल क्लास आप लोग को आधे घंटे पहले थोड़ी सी स्टार्ट की जाएगी और मैं ये चाहूँगा आज की क्लास यहाँ पे मैं ख़त्म करना, क्योंकि अगली क्लास आपकी कुछ मिनट के बाद है जहाँ पे CDP क्लास होगी, CDP सीटेड स्पेशल क्लास होगी जो प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आप सभी साथी जो लोग इलेनी भी दुर्गे से जुड़े हुए हैं वो सभी CDP सीटेड क्लास इसके जस्ट बाद चलेगी, आप देख लीजिएगा, जिसका जो लिंक है वो टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है बिना स्पेस के दुर्गेश सर, इलेनी भी दुर्गेश पे जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी। अगर आपको सीटेड में वास्तव में स्कोर बेहतर करना है आप सभी को इलेनी भी दुर्गेश पर जुड़े रहना होगा। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर संबंधी जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से चलती है, जो साथी जौनपुर से जुड़े हैं वे साथी जौनपुर के में शेयर कर दें, और ऑफलाइन क्लासेज और ऑफलाइन नोट्स वे सभी जौनपुर में मिलती हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद अगली क्लास चलेगी मुश्किल से कुछ मिनट के बाद। तो आप लोग सभी लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि मेरी क्लास इसके बाद और भी प्रश्न थे, इसके बाद क्या शुरू हो रहा था, देखिए एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी है, एक प्रश्न आप लोग बता दीजिए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या चीज़ जरूरी है, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। देखिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत जल्दी सवालों को हल करना जी नहीं, जल्दबाजी नहीं है। फिर कह रहा है अधिकतर सूत्रों को याद करना, सूत्र भी नहीं याद करना, ये मैं आपको पहले बताया हूँ। कह रहा है सवालों को उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, ये भी कुछ हद तक सही है। सभी अवधारणाओं को समझना, सभी अवधारणाओं को लागू करना, उनमें संबंध बनाना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दिए गए प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वह ए इसका राइट आंसर है। मतलब जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सभी पर, ठीक है, उन सभी पर क्या होगा, उनके जवाब क्या पूरी तरह से सही है, माने ए वाले राइट आंसर है, ए वाले क्या है, पूरी तरह से सही है। माने जितने लोगों ने दिए गए प्रश्न का उत्तर ए बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं, ठीक है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, अगर जितना कम गलत होगा, इसके बाद देखिए अगली क्लास जो थी हिंदी पेडागॉजी क्लास थी, लेकिन वहाँ की क्लास वो नहीं हो पाएगी, वो क्लास आपकी कल चलेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद कुछ मिनट के बाद अगली क्लास है, इसलिए मैं इस क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं ले पाऊंगा। तो सभी लोग इलेनी भी दुर्गेश पे जुड़े रहेंगे, और ये आप तो जानते ही हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ठीक, सभी इलेनी भी दुर्गेश पर, चाहे वो फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी जगह। और आप घर बैठे अपनी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते, कैसे, दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पे आपको फ्री में नोट्स, फ्री में प्रैक्टिस सेट जल्दी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट्स संबंधी जानकारी ले सकते हैं। आपके मन में कोई सवाल जल्दी से पूछिएगा कि कुछ ही मिनट के बाद आपकी CDP स्पेशल क्लास चलने जा रही है, कुछ ही मिनट के बाद CDP स्पेशल, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कोई सवाल है नहीं है ना, चलिए बाय बाय। और कल से मेरी क्लास थोड़ा सा पहले चलेगी, मतलब कल से मेरी क्लास 7 बजे चलेगी, 7 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए सभी लोग 7 बजे आ जाइए, क्योंकि कल से मेरी क्लास 1.5 घंटे की होगी, क्योंकि थोड़ा सा विलंब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो सभी लोग कल से 7 बजे आ जाइएगा, क्योंकि उसके पहले से कल से जूनियर भी चलेगी और अन्य क्लासेज भी चलेंगी, ठीक है। तो आपको सभी जो सूचना है क्लास की वो टेलीग्राम पर उपलब्ध होगी, तो सभी लोग टेलीग्राम पर इलेनी भी दुर्गेश पर जुड़े रहें, और मैं जल्दी आप लोग को सही चीज़ें उपलब्ध कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।